सो हेलो आदाब सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का ह्यूमन बॉडी सिस्टम के पार्ट एक दो तीन हाँ चार पार्ट में। इस सीरीज में हम ह्यूमन बॉडी के वर्क मैकेनिज्म आसानी से समझने का ट्राई कर रहे हैं। अगर आपको भी समझना है तो जानते हो ना क्या करना है, नहीं जानते तो चमचा भर पानी में डूब मरो। ओके अब बहुत हो गया, अब टॉपिक पे आते हैं। तो आज का ये वीडियो एक्सप्लेन करेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो बिना इधर उधर का टर्म देखे शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम सभी को पता है एटीपी हमारे बॉडी का मेन एनर्जी का सोर्स है, बट एटीपी में चेंज होने से पहले एनर्जी ग्लूकोज के रूप में स्टोर होता है। अब इसे एटीपी के रूप में चेंज करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब वही ऑक्सीजन को पुगाने का काम करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। और हाँ, एनर्जी बिना ऑक्सीजन के भी बन सकता है, बट वो बहुत ही ज़्यादा लैक्टिक एसिड और बहुत ही कम एटीपी प्रोड्यूस करता है। इसी लैक्टिक एसिड के कारण हमें मसल क्रैम्प आते हैं। इसीलिए ये एनर्जी प्रोडक्शन जब बॉडी को फास्ट एनर्जी चाहिए होता है तभी यूज होता है, जैसे रनिंग के टाइम पे। सबसे पहले हम नाक या फिर मुंह से सांस लेंगे। अगर सांस नाक से लिया तो नाक के बाल और म्यूकस जो है वो धूल को ट्रैप कर लेंगे, और उसके बाद वो एयर लैरिंग्स के अंदर होते होते एल्वियोलीज तक पहुंच जाता है। और यही रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे मेन पार्ट है। एल्वियोलीज कैपिलरीज से सराउंडेड होता है। जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो ये डिफ्यूज होकर कैपिलरीज में चला जाता है और CO2 आके लंग्स में भर जाता है। इसीलिए फिर से हम एक्सहेल करते हैं। बस यही है रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ मैंने एक चीज़ नहीं बताई, सबसे पहली बात जब डायफ्राम कंट्रैक्ट करता है तभी लंग्स ऊपर होते हैं और लंग्स का प्रेशर कम हो जाता है, सो दैट हवा लंग्स में प्रेशर इक्वल करने के लिए आता है। एक्सहेल के टाइम पे उसका ठीक अपोजिट होता है, डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है जिसके चलते लंग्स छोटे हो जाते हैं, जिसके चलते लंग्स का प्रेशर बढ़ जाता है, इसीलिए हवा फिर से बाहर चला जाता है। जब भी हमारे बॉडी को लगता है कि कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे नाक या फिर लैरिंग्स में आया है तो रिफ्लेक्स एक्शन के कारण से बॉडी कफ या फिर स्नीज करता है ताकि उन फॉरेन पार्टिकल्स को बॉडी के बाहर निकाला जा सके। सो दिस इज फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट वीडियो ऑफ ह्यूमन बॉडी सिस्टम। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, बाय बाय।